एफ आर बी एम एक्ट टू थाउजेंड थ्री दिस एक्ट वॉज नोटिफाइड इन दर टू थाउजेंड फोर अब ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको बेटर करने के लिए फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए और साथ में जो पब्लिक फंड्स हैं उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए अब इस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स कुछ इस तरह से थे कि एनुअल टारगेट सेट किए टू रिड्यूज डेफिसिट गमेंट बोरोइंग और डेट इसके लिए एनुअल टारगेट सेट किया जाए कि किस तरह से हर साल कितना कितना रिड्यूज किया जाना है नंबर टू हर साल टू थाउजेंड फोर टू फाइव से स्टार्ट करते हुए गवर्नमेंट हर साल जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको जीरो पॉइंट फाइव परसेंट और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको जीरो पॉइंट थ्री परसेंट करके कम करता चला जाए इसके अलावा इसने एक टारगेट ये रखा कि 31 मार्च 2009 तक जो रेवेन्यू डेफिसिट है इंडिया में उसको टोटली totally एलिमिनेट कर दिया जाए और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको थ्री परसेंट ऑफ द जीडीपी तक लेके आ जाया जाए इसके अलावा जो गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटीज हैं उस पर एक कैप लगाया जाए कि मैक्सिमम कितना हो और इसने गवर्नमेंट को प्रोहिबिट किया प्राइमरी बोरोइंग से फ्रॉम दी आर आफ्टर अप्रैल वन टू यानी आर और पैसे प्रिंट नहीं कर सकता गवर्नमेंट को उधार देने के लिए इसके अलावा गवर्नमेंट को क्वार्टरली बेसिस पे दोनों हाउसेस में दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने अपना रिसीट और एक्सपेंडिचर जो है उसका असेसमेंट जो है लाना पड़ेगा उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा और एनुअली तीन रिपोर्ट जो है तीन स्टेटमेंट जो है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट ये तीन जो स्टेटमेंट हैं उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा एनुअली अब ये स्टेटमेंट्स क्यों जरूरी हैं ये स्टेटमेंट्स इसलिए जरूरी है कि इसको चेक किया जा सके असेस किया जा सके कि जो एफ आर बी एम एक्ट टू थाउजेंड थ्री ने जो गोल सेट किए हैं गवर्नमेंट उसको एनुअली कितना अचीव कर पा रही है अब अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हो जाए जहाँ पे गवर्नमेंट को जो एफ आर बी एम एक्ट ने टारगेट सेट किए थे उन टारगेट्स को ब्रीच करना पड़ रहा है उसको ब्रेक करना पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को दो चीज़ें करनी पड़ेंगी एक उनको ये करना पड़ेगा कि करेक्टिव मेजर्स को अपनाना पड़ेगा कि वो फर्दर ये चीज़ें ना हो और दूसरा ये काम करना पड़ेगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके सामने स्टेटमेंट देना पड़ेगा FRBM ये एक revised version है of FRBM Act 2003. 2003 का जो एफ आर बी एम का एक्ट था उसको रिव्यू किया गया इन दर टू थाउजेंड नाइन बाय 13 फाइनेंस कमीशन और कुछ रेकमेंड किया गया इसमें रेकमेंडेशन दिया गया कि कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए उसे इतना रिजिड ना बनाया जाए कि रेवेन्यू डेफिसिट का क्या करना है कितना टारगेट रखें और जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना परसेंट रिड्यूस करना है एनुअली कितना टारगेट रखा जाए उसको उतना रिजिड ना बनाए उसको फ्लेक्सिबल बनाए क्यों क्योंकि जो इकोनॉमिक इन्वामेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उसमें अनसर्टेनिटीज़ हैं बहुत सारे तरीके की वो सिर्फ इंटरनल नहीं है एक्सटर्नल भी है और कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसको उतना ज्यादा रिजिट ना बनाया जाए इस पॉइंट के साथ में उसको रिवाइज किया गया और उन को 2012 में 2012 फाइनेंस एक्ट के थ्रू अप्लाई कर दिया गया और इस एक्ट में चेंजेस लाए गए तो चेंजेस क्या थे नंबर वन पहला चेंज ये लाया गया कि जो एफ 2003 था उसमें तीन स्टेटमेंट जो थी सेंट्रल आ, अपनी गवर्नमेंट जो है उनको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास में पेश करनी पड़ती थी अब उसमें एक और स्टेटमेंट को ऐड कर दिया गया तो पहले कौन कौन सी स्टेटमेंट थी ना उसमें थी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट और साथ में फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट अब जो फोर्थ स्टेटमेंट और ऐड कर दिया गया उसका नाम है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क और जो दूसरा चेंज लाया गया दूसरा अमेंडमेंट था था वो ये था कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसके लिए टारगेट सेट करने के बजाय अब एक नया टर्म नया कॉन्सेप्ट लाया गया विच वॉज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट विच इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट तो ये एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया साथ में एक तीसरी बात ये करी गई कि जो फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट्स थे साथ में जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लिए जो टारगेट सेट किए गए थे कि वो किस साल तक पूरे किए जाने हैं उसको रिवाइज किया और उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया उस ईयर को एक्सटेंड कर दिया गया कि कब तक उसको पूरा किया जाना है तो ये चेंजेस इसके अंदर लाए गए